शुभोदय बच्चा लोग। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके चलते हैं, तो संवाद लेखन। तो संवाद लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत तो हमारे बच्चा लोग पद्मावती विद्यालय के बच्चा लोग आए हैं, तो उनका विषय है तो परीक्षा लिखने के बाद में जो बाहर आते हैं ना परीक्षा होने से उसके बाद में जो भी चर्चा करते हैं उसको उन्होंने अपने प्रदर्शन के ओर दिखाने की प्रयास करते हैं। तो शुरुआत कीजिएगा बच्चा लोग। नमस्ते मेरे मित्रों, मैं राजेश्वरी, मैं सुभाषिनी, मैं अपूर्वा और मैं भगवान। हम पद्मावती अंतर्राष्ट्रीय पाठशाला के 8वीं कक्षा के छात्र हैं और आज हम हिंदी विषय परीक्षा कक्षा से बाहर निकलते हुए छात्रगणों का संवाद करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करें। अरे राजेश्वरी, आज का और कल का एग्जाम कितना डिफिकल्ट है। हाँ यार, मुझे तो परीक्षा के नाम सुनते ही एक शायरी याद आ रही है। शायरी? और कैसे शायरी, हमें भी थोड़ा सुना वो ना। हम जीते एक बार है, मरते एक बार है, प्यार भी एक ही बार होता है और शादी भी एक ही बार, पर ये साला एग्जाम क्यों बार बार आते है। हाँ, तुमने सही कहा, एग्जाम तो हमारा पीछा ही पड़ गया है। हाँ राजेश्वरी, तुमने सच्ची कहा है। वो छोड़ो, तुमने ये पांचवा उत्तर क्या लिखा है? ये पांचवा उत्तर तो सी लिखी हूँ मैं तो ऑप्शन ए। मैं तो बी, ऑप्शन डी, शायद ऑप्शन डी करेक्ट है। नहीं नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है। नहीं नहीं, ऑप्शन बी सी। तुम लोगों को गलत आंसर आया है शायद, देख लो। अरे यार, अब हम क्या करेंगे, इस पांचवा उत्तर को तो हम सब लोग एक एक लिखे हैं, अब हमारा क्या होगा। ए भगवान, मुझे तो लगता है इस एग्जाम में मैं पास तो हो ही नहीं सकती। हाँ यार, अधिकतर बच्चों को यही लगता है, अब हमारा क्या होगा। हे प्रभु, हे हरि, माम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। ऐसा नहीं होना था। अब किसी ने हमारा मार्क्स पूछे तो क्या कहे। क्या कहे, हाँ हमारा पुराना डायलॉग है ना, एग्जाम खत्म, बात भी खत्म। किसी ने मार्क्स पूछा तो उनके साथ हमारा रिश्ता भी खत्म। वाह, सही कहा तूने। हाँ वो सब अब छोड़ दो, अब हम नेक्स्ट परीक्षा तो अच्छे से पढ़कर अच्छे से लिखेंगे। धन्यवाद धन्यवाद।